हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वन का, और चैप्टर वन में हम लोग आज एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ेंगे, और ये एलिमेंट वाली बुक से है ये एक्सरसाइज, ठीक है? ये आपको देख लेना है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर 2p, बी इज इक्वल टू सी रेज टू द पावर 2q, ठीक है, और c इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 2r, यानी c इज इक्वल टू ए की पावर 2r है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज 1/8। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कंसीडर आपको करना है, तो आंसर यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। कंसीडर करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग कर लेते हैं बी ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पे 2p है, 2q है और 2r है, तो 2p मल्टीप्लाई 2q और मल्टीप्लाई 2r इज इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर 2p लिख देता हूँ, बी की पावर 2p, ठीक है? तो ये पावर बाहर, तो एक पावर को अंदर लेके आता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ बी की पावर 2p। बाहर पावर कौन कौन सी होगी, 2q होगी और ये 2r होगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, बी की पावर 2p क्या है, वो आपका a है, क्या है a। तो यहाँ पे मैं a और इसकी पावर कर देता हूँ 2q मल्टीप्लाई 2r, बिकॉज यहाँ पे रीजन आपको लिखना पड़ेगा बी की पावर 2p इज इक्वल टू a, ठीक है? बी की पावर 2p था, मैंने उसको a लिख दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2r है, मैं अंदर लेता हूँ इसको, ठीक है? या फिर इसको ही ले सकता हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा किस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो देख लेते हैं एक बार इसको किस तरह से एडजस्ट हो पाएगा ये। अभी स्टूडेंट्स, हम लोग इस 2r को अंदर लेते हैं, तो a की पावर 2r और बाहर क्या हो गया आपका 2q, ठीक है? अभी a की पावर 2r है, a की पावर 2r वो किसके बराबर है, c, तो c की पावर क्या होगी 2q, ठीक है? और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, बिकॉज a की पावर 2r है, वो क्या है, c है, ये हमने यूज किया है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, c की पावर 2q, तो c की पावर 2q है, वो क्या है आपका, c की पावर 2q, तो c की पावर 2q है, वो आपका है b, ठीक है? तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, b, और इसकी पावर है 2p मल्टीप्लाई 2q और प्लस सॉरी इंटू 2r इज इक्वल टू बी की पावर 1, ठीक है? तो इसको हम कंपेयर करते हैं, यहाँ से कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे बेस b है, यहाँ भी बेस b है, तो इसका मतलब पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, 2p प्लस 2q प्लस सॉरी 2p इंटू 2q और इंटू 2r, ये प्लस में नहीं है, ये इंटू में मल्टीप्लाई में, तो 2p मल्टीप्लाई 2q मल्टीप्लाई 2r, ठीक है? उसके बाद ये क्या है आपका, जो हमने कंपेयर किया तो पावर ये 1 है और इसकी पावर ये है, तो दोनों पावर्स को हमने कंपेयर किया तो ये 1 हो गया, ठीक है? तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 PQR हो गया, और ये क्या हुआ, 1 हुआ, तो 8 को अभी इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया, PQR इज इक्वल टू 1/8, तो PQR है वो क्या हो गया आपका, 1/8 हो गया। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, PQR की वैल्यू 1/8 करनी थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होता है, तो एडजस्ट आप कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है? अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आपको ये सिंप्लीफाई करना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये 16 है, तो इसको फैक्टराइज करते हो, तो यहाँ पर ये नीचे 2 है, 3/2 है, तो हम लोग इसको 16 को इस तरह से लिखते हैं, इसकी पावर 2 बन जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 16 को लिखता हूँ 4 की पावर 2, और बाहर रही है 3/2, ठीक है? क्योंकि 4 की पावर 2 है वो कितनी होती है, 16, और ये पावर 3/2 होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके बाद में यहाँ से, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है? तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 ब्रैकेट के अंदर पावर वाली और ये ब्रैकेट के बाहर पावर, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 4, और इसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी, तो 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, ये आपका
64 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट एक बार और देख लेना है, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ये थोड़ा सा अलग हो सकता है इससे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 64 ही आएगा, और 61 और जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 125 और अपॉन ये 64 हो गया, और इसकी पावर कितनी रहेगी आपकी, ये दे रखिए 2/3, पावर 2/3 रहेगी। तो स्टूडेंट्स हमें एक थोड़ा सा हिंट मिलता है कि यहाँ पे 3 है, यानी इसकी पावर 1/3 आपको बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम किस 125 को कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम लिखते हैं यहाँ से 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5, और नीचे ये क्या रहे 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि वो 3 बार आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फिर क्या हो गया यहाँ से 2/3 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी इसमें, ये 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर कितनी रहेगी, 5 की पावर 3 रहेगी, और नीचे यहाँ पे 4 की पावर 3 रहेगी, और बाहर क्या रहेगा आपका 2/3 रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पर भी पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है, ठीक है, दोनों पावर 3 है यहाँ पे, तो दोनों की पावर को बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से किया जा सकता है कि 5/4, और इसकी ये 3 पावर है यहाँ पे चलेगी, दोनों से 3 पावर चलेगी, यहाँ से ऊपर से भी नीचे से भी, और ये बाहर क्या हो गया आपका 2/3 हो गया, तो 2/3 का ये 3 है और ये 3 ही कट गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये 5/4 हो गया, और इसमें यहाँ पे 2 बच गया तो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5/4 है उसका ये स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो 5/4 × 5/4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया, 4 को 4 से किया तो ये 16 आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 1.6 इन रफ नोटबुक, एक्सरसाइज 1.6 को आपको रफ नोटबुक में सोल्व कर लेना है, और साथ के साथ आपको MCQ भी अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। फर्स्ट चैप्टर के शायद 20 MCQ दे रखे हैं आपकी बुक में, तो वो 20 MCQ आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।